हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 1 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती योगा टीचर के रूप में। जी हाँ, ये यूपी सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली है योगा टीचर के रूप में। जी, और इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं इस वीडियो के आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा कि योगा टीचर के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी ज़रूरत पड़ेगी और कैसे फॉर्म भरना है और कहाँ पे बनना है। पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप एक न्यूज़ कटिंग देख रहे होंगे, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अनिवार्य विषय में शामिल हुआ योग। जो योग था अब आपके शामिल हो चुका है अनिवार्य विषय के रूप में। जैसे कि आपकी न्यूज कटिंग है, यूपी सरकार ने योग को अनिवार्य विषय में शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार में पहले चरण में 1 लाख योगा टीचरों की भर्ती करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब जानकारी मिली तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई। और दरअसल बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मैथनी कई बार इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा है योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए। तो जैसे कि आपने ये न्यूज़ कटिंग देख ली, और इसमें साफ साफ ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है, 1 लाख टीचरों की होगी भर्ती योगा टीचर के रूप में। जी हाँ, तो अब इससे जुड़े मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा, लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जो भी आपके इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको स्लोगन दिख रहा होगा, यूपी योगा टीचर वैकेंसी 2018 इसलिए कह रहे हैं कि ये 2018 में ऐलान हुआ है। और ये भर्ती आपकी, इसकी अधिसूचना कब तक लागू होगी, कब तक आएगी, इसके लिए आप अभी वेट करें। जल्दी इसकी अधिसूचना आने की, यह एक नया अवसर है और इस अवसर का फ़ायदा आप लोगों को उठाना है जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पाने के लिए। योगा टीचर बनने के लिए अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। वैसे तो लगभग, क्या कहते हैं, प्रदेश में सूत्रों से के माध्यम से पता चला है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा पद खाली है, लेकिन पहले चरण में ये 1 लाख पद भरने के लिए कह रहे हैं ये यूपी की तरफ से। तो चलिए इसको कैसे भरेंगे। उत्तर प्रदेश के जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, योगा टीचर की भर्ती होने जा रही है। जिन लोगों ने योगा टीचर का डिप्लोमा लिया है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो लोग ले रहे हैं या प्रोसेस में हैं, तो उन लोगों के लिए तो अभी जब तक वैकेंसी नहीं आती, अगर उससे पहले पूरा हो जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और जो लोग अभी नहीं, जिन लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा, उसके पहले अगर वैकेंसी आ जाती है तो उनके लिए थोड़ी दुख की खबर हो सकती है। जैसे कि योगा टीचर भर्ती कुल पद 1 लाख होंगे, तो जो भी हमारे दर्शक हैं, कहते हैं योगा टीचर को सीखने का हुनर रखते हैं, सिखाने का हुनर रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको क्या कहते हैं, क्या आयु होगी इसके लिए, देखिए ये जो आपकी आयु इसमें निर्धारित की जाएगी, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 होनी चाहिए। और जो OBC या अन्य किसी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए आपका छूट रहेगी उसी हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। और जो आपकी योगा शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपको आवेदनकर्ता को कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ में योगा का कोर्स किया होना चाहिए, यानी योगा का डिप्लोमा चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो जैसे आप जब इसका फॉर्म वगैरह आएगा तो उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, घर का पता यानी आप निवास प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, आयु प्रमाण पत्र मतलब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, योगा टीचर सर्टिफिकेट, योगा जो आप डिप्लोमा लेंगे उसका सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरह के कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे कि इसमें हाई स्कूल इंटर वगैरह इन सब की मेंशन नहीं दिया है, लेकिन ये सब भी आपके लगेंगे, हाई स्कूल लगेगा, इंटर लगेगा, इसके सर्टिफिकेट लगेंगे, ग्रेजुएशन का आपके सारे ईयर की मार्कशीट और डिग्री या प्रोविजनल डिग्री लगेगी, ये सारे आपके होने चाहिए। जैसे कि आप ये B नंबर में देख रहे हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट से आप परेशान ना होइए,
ये योगा टीचर सर्टिफिकेट की तरह ही वो सेम चीज़ है। ये केवल आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है एक प्रकार का, तो ये जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ से आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, इसके लिए परेशान ना होइए। जब आपका भर्ती का जियो आएगा उसमें सीधा सब साफ साफ मेंशन होगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जो ये अभी सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है, मैंने अभी आपको वो बताया है, ठीक है। तो जो भी आपको क्या कहते हैं ये वैकेंसी जो होगी आपकी एक प्रकार के संविदा के तहत भर्ती होने वाली है, ऐसा पता सूत्रों से पता चला है। तो इसके लिए क्या कहते हैं आपको क्या 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 प्रोसेस है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। योगा टीचर भर्ती के लिए आज जो फॉर्म भरा जाएगा किस तरह से, जैसे कि आपके फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा कि जो आपकी आधिकारिक वेबसाइट है upsed.gov.in, ये अभी तक आधिकारिक वेबसाइट इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसी वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले ये सूचनाएँ प्रदान की गई थी। फिलहाल हो सकता है कि जब भी वैकेंसी आए तो कोई दूसरी वेबसाइट लॉन्च कर दी जाए या दूसरी वेबसाइट से फॉर्म भराया जाए, तो अभी तक यही वेबसाइट है। लेकिन अभी इस वेबसाइट पर आप खोल के देखेंगे तो आपको इस विषय में कोई जानकारी आपको जल्दी दो नहीं पाएंगे ना मिल पाएगी, इसलिए उस वेबसाइट पर ना ध्यान दे के आप भर्ती के वेट करिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अब कैसे भरा जाएगा, तो जैसे जो भी आधिकारिक वेबसाइट होगी उसको आप ओपन करेंगे, उसमें आपको बहुत ऑप्शन होंगे, उसमें आपका 2018 की भर्ती पे क्लिक करना होगा और योगा शिक्षक की भर्ती पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा और एप्लीकेशन को भरेंगे और ये सबमिट कर दीजिए और फीस सबमिट होगी। उसका प्रिंट आउट मेन चीज़ ये है इसे बताने का कि आपको इस तरह फॉर्म, जैसे भी आप सब फॉर्म भरते हैं उस तरह से एक फॉर्म भरा जाएगा। ये केवल आपका एक प्रोफार्मा टाइप का बताया गया है, ये इस तरह का चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो जैसे अभी इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, आपको बता देता हूँ कि जो इसके लिए क्या आपके पे यानी इसके पे स्केल होगी, तो इसके लिए अभी तक पे स्केल जैसा कि पता चला है मुझे वो 4200 ग्रेड पे रखने की उम्मीद है। और इस संविदा के तौर पे है तो हो सकता है डाउट कुछ कम भी हो सकती है मे बी, और 21000 तक इसके आपके पहुँचने की उम्मीद है पर मंथली। तो वैसे 4200 ग्रेड पे के हिसाब से तो ज़्यादा पहुंच रही है, लेकिन फिर भी 21000 के अराउंड आपकी इसकी सैलरी मिलने वाली है योगा टीचरों के लिए, जैसा कि मुझे पता चला है, ज्ञात है और उचित माध्यम से मुझे पता चला है। ये आपका भर्ती जब होगी उसमें सब कुछ आपका मेंशन होगा जियो में, आप उसके लिए परेशान ना हो, कुछ टाइम के लिए आप वेट कर लीजिए। जैसा कि आपकी न्यूज़ कटिंग में मैंने आपको दिखाया कि जल्द ही आपका क्या कहते हैं इसकी भर्ती का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो ये हो सकता है क्योंकि आप देख ही रहे होंगे इस समय 2019 के चुनाव आने वाले हैं, सरकार चाहेगी कि जल्दी से जल्दी भर्तियां निकाल दे ताकि आपको वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके वगैरह वगैरह, जो भी आप सोच सकते हैं। तो योगा शिक्षक भर्ती, जैसे आप लोगों को पता ही होगा योग कितना ज़रूरी है अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए सरकार ने भी यह फैसला कर लिया है कि योगा शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जिन लोगों ने योगा में डिप्लोमा या डिग्री की है, डिप्लोमा या डिग्री दोनों ही इसके लिए वैलिड हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। वह लोग अब आसानी से सरकारी नौकरी करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। योग को अब एक विषय के रूप में जोड़ा जा चुका है, जैसे कि योग को एक विषय के रूप में जोड़ा जा चुका है, उनके लिए एक अलग से टाइम पीरियड रखा जाएगा। और जैसे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे भी जल्दी ये शुरू करने की उम्मीद है। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही अलग अलग मत दिए हैं। जैसे एक हमारे मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो आप लोग योग करते रहें। जैसे कि आपको पता ही होगा 21 जून आपका योगा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, तो आप लोग योग के लिए प्रति इतने इच्छुक हैं, इस वजह से आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग का इंतज़ार जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसके लिए आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो जल्द ही आ करते हैं आप लोग अपने सारे कार्य कंप्लीट कर लीजिए जो भी इसमें ज़रूरत चाहिए, ठीक है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा
और कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और बता देते हैं, बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उन लोगों से भाई मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग नोटिफिकेशन बेल पे घंटी को दबा दें, ताकि बहुत ही जल्दी मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए, तो अब मैं वीडियो पे विराम लगाता हूं। धन्यवाद।